हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द मेन रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, कौन कौन सी रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज है हमारे पास। राइट इन डिटेल अबाउट द रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, रूरल डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज के बारे में हमको थोड़ा डिटेल के अंदर इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी एजेंसीज है जो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है। लार्ज नंबर ऑफ द रूरल एजेंसीज आर फंक्शनिंग फॉर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है वो आज की तारीख में फंक्शन अलग अलग परफॉर्म कर रही है, जिससे कैसे ना कैसे एक रूरल एरियाज को हम डेवलप कर सके। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट एजेंसीज इन द फील्ड। प्रोमिनेंट एजेंसीज कौन कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, विलेज पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज है हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज है, प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट्स है, फार्मर्स सर्विस सोसाइटीज है, कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, नेशनल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज के नाम आपके सामने यहाँ पे गिवन है। ये सारी चीज, ये सारे जो लोग हैं, ये सारी जो इंडस्ट्रीज है, ये सारी जो एजेंसीज है, ये बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए ही बनाई गई है। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज की हम यहाँ पे बात करते हैं। फॉर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एजेंसीज एट द नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल आर ऑर्गेनाइज। प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन को करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज ऐसी है जो डिवीजन के अकॉर्डिंग बनी हुई है, नेशनल के अंदर, स्टेट के अंदर और डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हम DRDA बोलते हैं हम इसको, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। It is the most important agencies at the district level, सबसे important agencies मानी जाती है। It is situated in each and every district, हर district के अंदर ये situated है। It is organized under the Society Registration Act, Society Registration Act के अंदर इसको organize करा जाता है। The district collector is its chairman, जो district collector होता है वो ही इनका क्या होता है, chairman होता है। The project director is the chief executive, जो भी projects को build up करता है जो project director होता है वो इनका chief CEO होता है। Agency who supervision the entire work is carried out, उनकी supervision से सारा काम यहाँ पे किया जाता है। It looks after the entire working of the rural development program in a district. ये पूरे की पूरी जो working है rural development के अंदर, उस पूरे program को ही conduct कराने का काम district rural development agencies का होता है। इनके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स पर्टिकुलरली बिलोंग टू द वीकर सेक्शन। उन प्रॉब्लम्स को देखना स्मॉल और वीकर फार्मर्स का, जो बेसिकली एक तरीके से बहुत ही बैकवर्ड सोसाइटी के अंदर रहते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना। टू प्रिपेयर द प्लान फॉर सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स ऑफ दीज फार्मर्स, इस तरीके से प्लान को प्रिपेयर करना कि जितने भी फार्मर्स हैं इनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे हम सॉल्व कर सकें। The agency is also concerned with the implementation of the rural development projects with the help of the private sector. Private sector की help से हम rural development projects में भी initiate कर सकते हैं। Public sector, cooperative sector, district council, cooperatives, commercial banks, agro industries and different departments and the state and the central government, चाहे वो state government हो चाहे वो central government हो। It aims at the evaluation of the rural development project. Rural development projects के ऊपर ही ये main aim डालता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज के अंदर। द गवर्नमेंट बॉडी ऑफ द DRDA इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द फॉलोइंग लाइंस। द चेयरमैन ऑफ द DRDA इज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया। जो चेयरमैन है वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। जितने भी मेंबर्स हैं वो अलग अलग स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से इंक्लूड है, और जो चेयरमैन है वो बेसिकली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से ही रिक्रूट किया जाता है। यहाँ पे द अदर मेंबर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लैंड डेवलपमेंट, और बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली भाई लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेटिव के, जॉइंट रजिस्ट्रार हो सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। The representation from the district industry center, district agriculture officer, animal husbandry officer, bank officer also made the members. तो overall हम ये बोल सकते हैं कि अलग अलग जो government departments है उसमें कुछ कुछ members इनका role play करते हैं rural development के अंदर। The project director of the DRDA is the member secretary, जो project director है वो basically member secretary होता है। With the consent of the state government, the non-government representative is appointed on the agency's, state government की consent लेने के बाद एक non-government representative है जो इन agencies को build up करती है। These representatives are from the women, SC/ST or the weaker section हो सकती है। They are from district itself, वो district के अंदर ही रहेगी और district को ही उस हिसाब से run करेगी। पावर्स देख लेते हैं कुछ गवर्नमेंट बॉडी की, क्या क्या पावर्स है।
मेकिंग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द लाइट चेंजेस ऑफ द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, थोड़ा बहुत चेंजेस ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कर सकते हैं और कुछ जो रिलेवेंट लॉज इससे रिलेटेड है उनके अंदर भी कर सकते हैं। एनुअल बजट की अप्रूविंग भी इनके अंदर आती है। रिसीविंग द डोनेशन एज पर द रूल्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम ये डोनेशन भी रिसीव करते हैं। डेलीगेशन ऑफ द नेसेसिटी अथॉरिटी टू ऑफिसर कंसर्न फॉर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन को प्रॉपरली डिस्चार्ज करने के लिए अथॉरिटीज को डेलीगेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अपॉइंटमेंट ऑफ द रेलेवेंट कमिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ कंडक्ट, स्मूथ कंडक्ट के लिए कोई ना कोई कमिटीज बिल्डअप करी जाती है जिससे रूरल डेवलपमेंट वर्क आसानी से हो सके। फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ पॉलिसीज भी बनाई जाती है जिससे बहुत इजीली हर एक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करा जा सकता है। फंक्शनिंग ऑफ द डीआरडीए, डीआरडीए के फंक्शनिंग हम देख लेते हैं। The activities of the agencies are carried on the process of the relevant meeting being organized from time to time. Time to time यहाँ पे meeting रखी जाती है और meeting के साथ साथ ही इसको organize करा जाता है। The working and the progress of the DRDA is brought to the notice of the state government as well as its members in the annual general meeting. यहाँ पे जो state government है और जो annual general meeting बिठाई जाती है उन दोनों को notice के अंदर डाला जाता है जब ये meeting रखी जाएगी। द कोरम शुड बी एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स, और जो कोरम है जो मीटिंग के मेंबर्स हैं वो एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स होने ही होने चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स, द अकाउंट्स ऑफ द डीआरडीए आर प्रॉपरली मेंटेन, डीआरडीए के जो अकाउंट्स हैं वो प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए अकाउंटेंट्स के द्वारा। दीज अकाउंटेंट्स आर ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इनको बेसिकली ऑडिट करेगा। तो बेसिकली अब हम कंफ्यूजन के ऊपर आए तो वर्किंग ऑफ द डीआरडीए इज क्वाइट स्लो। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो वर्किंग है वो बेसिकली पॉलिसीज के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी की तरह, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो बेसिकली स्लो है। There is a need for the revamping and the toning up of its functioning. अभी भी जरूरत है दोबारा से reschedule करने की, दोबारा से analyze करने के लिए, दोबारा से boost up करने की। If it start functioning properly, it can usher in the era of the proper rural development. अगर वो अच्छे pace के ऊपर काम करें तो proper development लेके आ सकती rural areas के अंदर। तो ये पूरा हमने discuss कर लिया DRDE के बारे में और बहुत सारी agencies के नाम भी पढ़ लिए हमने जो rural development के लिए बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत से समझ में आ गया होगा। Thank you so much.